फिर से स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे, मज़ा कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं सिक्स पैक की एक्सरसाइज, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज करेंगे। आज पूरा सिक्स पैक निकाल के छोड़ेंगे, बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, बेस्ट एक्सरसाइज बताऊंगा आपको, जो भी हो सकता है मेरे से बेस्ट दूंगा आपके सिक्स पैक निकल के छोड़ेंगे। तो आज पहले एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा, वो है इस बेंच पे बैठ के कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना है। थोड़ा आगे होके कोने में, फिर ऐसे पकड़ के ग्रिपिंग करके ऐसे यूं पीछे आना है, फिर ऊपर, फिर पीछे आना है, फिर ऊपर। इस तरीके से आपको लगाना है कुछ ये वाला सेट, ऐसे पूरा पेट पर असर जाएगा इस वाले पे, इस तरीके से लगाते जाना है। इससे हमारी ये चीज़ और ये चीज़ बनती है। मैं तो फिलहाल सिक्स पैक है नहीं, थोड़े बहुत है, पर मैं रोज़ मारता हूँ एक्सरसाइज, तो मेरे को लगता है कि हाँ फ़र्क पड़ रहा है इस एक्सरसाइज से। मैंने भी बहुत सारी यूट्यूब पर देखी थी, बतेरी रिसर्च करा, उसके बाद बता रहा हूँ एक्सरसाइज बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। मेरे जो गुरु जी उनने भी यही बताया था, बेस्ट एक्सरसाइज है, मज़ा आता है करने के लिए। और मैं रोज़ ये मारता हूँ। आप चाहे तो हफ्ते में एक दिन मार सकते हैं, फिर रोज़ मारोगे तो अच्छी बात है। तीन तीन के सेट मारो, चार चार के सेट मारो, वो आपके ऊपर है। मारना जरूरी है रोज़ एक्सरसाइज आपके सिक्स पैक के लिए, पेट के लिए, जिस चर्बी वर्बी निकल रही हो कम हो जाती है, बिल्कुल बेस्ट है। इसको इस तरीके से परफॉर्म करते रहना आपको, वन टू, किसी भी जगह बैठ के। आप चाहो तो नीचे बैठ सकते हैं, दिखाऊंगा मैं नीचे बैठ के भी इसको कैसे मारते हैं। ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, बेस्ट एक्सरसाइज है पूरी सिक्स पैक के लिए, बढ़िया है। तो पहली एक्सरसाइज तो हो चुकी है हमारी, सेकंड बता दो कौन सी है। सेकंड हमारी इसी बैठ के, फर्क इतना है जो हम ऐसे करते थे, इस बार पूरा पीछे जाके ऐसे ऊपर उठेंगे, इसको पैर को ऊपर उठाना जितना हो सके, पैर को ऊपर उठाना ऐसे इस तरीके से, पूरा पीछे जाके ऊपर, पूरा पीछे जाके ऊपर। अब इसी देखो मेरे को दर्द होने लग गया है यहाँ पे, मतलब असर कर रही है सिक्स पैक पे। आप भी ट्राई करना, बेस्ट एक्सरसाइज बता रहा हूँ, ये नहीं हलवा बना के कुछ ही बता दे रहा हूँ, नहीं, सारा जमाई हुई है, मैंने खुद करी है 150 साल, उसके बता रहा हूँ मैं ये। तो फिर इसको किस तरीके से परफॉर्म करना है, फिर से देख लो आप, इस तरीके से रखना पैर और पीछे इस तरीके से आना है, ऐसे पूरा इस तरीके से जाना है ताकि पूरा सिक्स पैक पे आ पाइए। इस तरीके से जितना हो सके मारते जाना, जब तक पेट दर्द ना हो, पेट दर्द होने के बाद ही मारते जाना ताकि पूरे आपकी चर्बी पसीना हो पाए और सिक्स पैक बन पाए। दो एक्सरसाइज हो चुकी है, तीसरी बताते हैं मैट के ऊपर बेस्ट एक्सरसाइज बताएंगे आपको। तो हम आ गए हैं मैट पे, पर बिछा लिया सारा। तो आगे बढ़ने से पहले भाई को एक बात कहना चाहता हूँ, भाई प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, छोड़ के मत जाइए चैनल को, जितना हो सके भाई को सपोर्ट करें, आपको छोटा भाई हो, प्यार दिखाइए जितना हो सके। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज बता रहा हूँ मैं आपको, इस तरीके से जैसे मैंने उधर कहा था, बेंच पे भी लगा सकते हो और ऐसे भी लगा सकते हैं, तो बैठ के इस तरीके से, ये देखो वही बेंच वाली चीज़ है, पर फर्क कितना है, नीचे बैठ के कर रहे हैं, अगर बेंच ना हो आप पे तो बैठ के भी इस तरीके से कर सकते हैं आप, इस तरीके से बिल्कुल बढ़िया पेट पे जाती है, एकदम सिक्स पैक के लिए बढ़िया एक्सरसाइज है जो बता रहा हूँ। इस तरीके से मार सकते हैं आप, चार रेपिटेशन लगाना है इसकी भी, 12-12 के तो कुछ नहीं है, 12-12 हो जाएगा, 30-30 के लगाना, 30-30 के चार लगाओगे बढ़िया, जब तक दर्द ना हो छोड़ना मत। अगर सही आपको सही में चाहिए सिक्स पैक तो बता रहा हूँ मैं, ये नहीं एक दिन कर लिया फिर उसके बाद करोगे, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, कुछ फ़ायदा होगा ही नहीं। फिर आप करोगे भाई ने गलत बताया ये वो, नहीं, रोज़ करनी है आपको कुछ भी हो जाए, और जब तक दर्द ना हो तो छोड़ना नहीं है सिक्स पैक के लिए, मेहनत करनी पड़ती है भाई, सिक्स पैक ऐसे नहीं बनते, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब लोगों को देखते होंगे कि हाँ भाई इसके तो सिक्स पैक है भाई, उसके या फिर बचपन से ऐसे होंगे, उसकी चर्बी नहीं होगी, या फिर उसने मेहनत करी होगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता भाई दुनिया में, मेरे तो सिक्स पैक है बड़ी मुश्किल से मिलता है भाई, और बढ़िया एक बार बन गया तो खुद को ही प्राउड होगा कि हाँ भाई जो ही मेहनत करी थी हमने बिल्कुल एकदम सक्सेसफुल रही और मज़ा आया। तो ये होगी, और नेक्स्ट एक्सरसाइज इसको ऐसे बैठ के इस तरीके से बैठ जाना, आपको पैरों का ध्यान रखना और ऐसे लगा, ऐसे लगाना है इस तरीके से, इस तरीके से लगाना है इसको, हाथों को ऐसे रख के, हो सके तो हाथ छोड़ रहा हूँ, मेरा आगे सपोर्ट देने वाला नहीं है इसके ऊपर, बंदे को खड़े कर लेना या प्लेट वगैरह डाल लेना, उसके बाद लगाना है इसको, बिल्कुल ऐसे करके लगाता जाना है इस तरीके से, बिल्कुल। ये एक्सरसाइज तो अपने पहले ही मारी होगी आपने, यहाँ पर देखा होगा, वेरी गुड एक्सरसाइज है, मज़ा आता है करने के लिए, बिल्कुल सिक्स पैक के लिए बेस्ट एक्सरसाइज जिसे कहते हैं ना, वही है भाई, उसमें से एक यही है सिक्स पैक की एक्सरसाइज। दूसरी अगर आप चाहो तो इसके साथ मारते हो, या फिर इस तरफ जाओ, या फिर इस तरफ जाओ, ऐसे ऐसे जा सकते हो, टेढ़ा मेढ़ा हो सकते हो इस तरफ जाकर, या फिर इस तरफ जाकर। तो इस पर भी हमारे क्या है, इस पर असर पड़ेगा सिक्स पैक के लिए, बढ़िया है। और दूसरी बताने जा रहा हूँ वो है हमारे प्लेटों के साथ, वो बढ़िया है, उसको भी मत करना, उसको भी करना मतलब, देखो वो इसके लिए बड़ी बेस्ट होती है, यहाँ की जो चर्बी होती है ना, जिसकी चर्बी ज़्यादा है, मेरे है थोड़े बहुत हैं, ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैं रोज़ करता हूँ तो कट जाती है धीरे धीरे करके, और जिसकी नहीं हो पाएगी सिक्स पैक तो कम से कम उसका पेट भी नहीं बढ़ेगा, ऐसी एक्सरसाइज है ये। तो फिर कौन सी है मैं बताता हूँ, प्लेटों के साथ। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज ये प्लेट ले ली हमने इस तरीके से, इसको थोड़ा सा पैर को स्पेस दे के ऐसे करना है, 1 2 3 जितना हो सके डाउन जाना है आपको, ऊपर जाना है इस तरीके से, इससे हमारी बैक की चर्बी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और बढ़िया मसल दिखते, एकदम चर्बी रहती ही नहीं है,
और सबसे के लिए बेस्ट है। और चाहो तो आप इसको इस तरीके से करके, ये वाली बहुत बेस्ट है, मेरे को इस वाले पे ज़्यादा मज़ा आता है। ऐसे करना है इसको, ऐसे ऐसे तरीके से, इस तरीके से करना है, कुछ पूरा पीछे जाना है, फिर इधर पूरा पीछे जाना है, इधर पूरा। इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अभी चार पाँच ही मारे मैंने, ये चीज़ खिंच रही है, तो खिंच रही है मतलब फैट कम हो रहा है, प्रेस हो रहा है, जो भी जमा फैट होगा बिल्कुल कम हो जाएगा, एकदम मज़ा आ जाएगा, तुम सिक्स पैक बन जाएंगे इस तरीके। इसके लिए मैंने बोला बताया, और इसके लिए प्लेट के साथ करना है आपको, जितना हो सके 12 12 के 15 15 के अपने हिसाब से करना है, और 10 का प्लेट से स्टार्ट करना है, और 15 16 जितना भी आप हो सके 20 तक करते जाना है, और लगाने हैं ये वाले। नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ, वो इस तरीके से होगा, हटा देता हूँ इसको मैं, किस तरीके से, ये देखा होगा आपने, ऐसे हाथ रख के और इस तरीके से कुछ ऐसे, बिल्कुल इस तरीके से करना है, जब तक हो पाए, जब तक दर्द ना हो, जब तक करते रहना है इसको इस तरीके से, अपना बॉडी स्पेस का ध्यान रखना है, और इस तरीके से लगा जाना है इस तरीके, जितना देर हो सके, 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड 5 मिनट अपने हिसाब से करते जाना है इसको। जितनी भी एक्सरसाइज बताई मैंने, ख्याल से तो मैंने 6-7 बता दिए, बढ़िया एक्सरसाइज है, एकदम मज़ा आता है सिक्स पैक जब भी मैं करता हूँ, मैं रोज़ तो मैं करता ही हूँ उसको, मान लो आप, जब मेरी कोई भी मारूँ, चेस्ट मारूँ, बैक मारूँ, लेग मारूँ, कुछ ही मारूँ, उसके बाद मैं करके ही घर जाता हूँ, भाई करना है ये, क्योंकि ये करने से रोज़ हैबिट बन जाती है इसको, और बिल्कुल चर्बी कम होती है, देख सकते हो आप, रोज़ मारता हूँ मैं, इसलिए देखो थोड़ी बहुत ही है, ज़्यादा भी नहीं है, लगता है कि हाँ चल इसका पेट कम है, और दिखने में बेस्ट लगता है, पेट कम होता है तो लगता है कि हाँ चल भाई सही है, जो भी अपना कर रहे हैं मेहनत तो आ रहा है सर। तो इस एक्सरसाइज को रोज़ करना है भाई, रोज़ नहीं करोगे फ़ायदा नहीं देगा, अभी कह रहा हूँ मैं चिल्ला चिल्ला कर, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आपका भाई हूँ मैं, गलत नहीं बताऊँगा, रोज़ करना है आपको। और बस भाई आज के लिए बस इतना ही है, मज़ा आ गया इस वीडियो को बनाने में मेरे को, क्योंकि सिक्स पैक सबकी बेस्ट होते हैं लड़कों के, क्योंकि सबको चाहिए होता है सिक्स पैक सिक्स पैक सिक्स पैक, तो भाई मेहनत करनी पड़ती है सिक्स पैक के लिए, ऐसे नहीं बनता है, 10 बार बता रहा हूँ, सारी एक्सरसाइज मारनी है आपको, और बड़े तरीके से मारनी है। आखिरी में कहना चाहूँगा भाई, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, भाई को दिल से भाई फॉलो करो, प्यार दिखाओ जितना हो सके, और भाई के साथ बने रहो, आपको ऐसी एक्साइटिंग वीडियो मिलती रहेगी इस चैनल पर।